बॉलीवुड के सिंघम एक्टर अजय देवगन इन दिनों बॉलीवुड टाउन में अपनी आने वाली फिल्म तानाजी को लेकर लगातार चर्चा में हैं। ऐसे में हम आपको ये खबर देते हुए थोड़ा सा अफसोस जताना जरूर चाहेंगे कि अजय देवगन फैंस के लिए बुरी खबर लेकर आए हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा मौका अपने हाथ से जाने दिया है खुद की मर्जी से, या यूं कह लीजिए कि मजबूरी में। रीजन ये है कि अजय देवगन के पास तानाजी फिल्म है अभी उनके पास, जिसकी वजह से किसी और फिल्म के बारे में वो सोच नहीं पा रहे हैं। फिलहाल वो इस फिल्म पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। दरअसल बात कर रहे हैं हम बॉलीवुड नहीं बल्कि साउथ के सुपरस्टार कमल हसन की उस फिल्म के बारे में, जिसमें उन्होंने शानदार नेगेटिव किरदार के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता। ब्रिलियंट एक्टिंग और इम्पॉसिबल मेकअप के लिए साल 1996 में जिन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया। जी हाँ, सेनापति के रोल के लिए उन्हें 2 दशक पहले मिला था एक शानदार अवार्ड। तो वही बात है फिल्म इंडियन की, जिसे लेकर शंकर एक बार फिर से आ रहे हैं और वो इंडियन 2 के लिए पहले तो अजय देवगन को चुन चुके थे, क्योंकि कमल हसन ने व्हाइट हेयर्ड मैन के अवतार में जहां लोगों का दिल जीता था 2 दशक पहले, अब वो इस किरदार के लिए फिट नहीं बैठेंगे और इसीलिए उन्होंने अजय देवगन का नाम चुना, जो इस एक्टर के रोल पर जबरदस्त फिट होते। लेकिन अफसोस, अजय देवगन को अप्रोच तो किया गया नेगेटिव रोल के लिए शंकर की तरफ से, अफसोस तो यही है कि अजय ने इस रोल को ठुकरा दिया। बड़ा नुकसान है ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, जिसे लेकर अजय ने कुछ स्टेटमेंट भी शेयर किया। उन्होंने कहा, एक आर्टिस्ट के लिए कोई भी शेड नहीं होता, ना ग्रे ना ब्लैक ना वाइट, और लेयर्स होते हैं जो उनके किरदार होते हैं, वही अच्छा होता है। लेकिन हॉकी फिल्म से लेकर कंपनी फिल्म में काम करने वाले अजय देवगन को नेगेटिव किरदार काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है काम करना। अफसोस, इसके बावजूद उन्होंने इस फिल्म को ठुकराया जो किसी और के लिए है, ये कहना है उनका, जो तानाजी के लिए काफ़ी व्यस्त है और शूटिंग तुरंत शुरू हो ऐसा वो नहीं कर सकते, जिनके पास वक्त की कमी थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।